उत्तर प्रदेश शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सोलापूरचे गणवेश देणार असल्याचं आश्वासन यूपीचे महसूल मंत्री रवींद्र जयस्वाल यांनी वाराणसीतील युनिफॉर्म गार्मेंट मॅन्युफॅक्चरर्स फेअर 2023 समारोप प्रसंगी दिलं. सोलापूर रेडीमेड कापड उत्पादक संघाद्वारे भारत सरकारचं एमएसएमई मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासनाचं वस्त्रोद्योग मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने 7व्या युनिफॉर्म गार्मेंट मॅन्युफॅक्चरर्स फेअर 2023 आयोजन करण्यात आलं होतं. हे प्रदर्शन उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथील दीनदयाल हस्तकला संकुलात आयोजित करण्यात आलं होतं. शनिवारपासून या प्रदर्शनाची सुरुवात झाली. सोमवारी या फेअरचा समारोप झाला. यावेळी उत्तर प्रदेशचे महसूल मंत्री रवींद्र जयस्वाल, सोलापूरचे खासदार डॉ जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी, आमदार सुभाष देशमुख, सोलापूर गार्मेंट मॅन्युफॅक्चरर असोसिएशनचे अध्यक्ष निलेश शहा, फेअर चेअरमन सतीश पवार, मफतलाल कंपनीचे सीईओ एम बी रघुनाथ, सचिव प्रकाश पवार, अमित जैन यांची प्रमुख उपस्थिती होती. दरम्यान समारोप प्रसंगी बोलताना उत्तर प्रदेशचे महसूल मंत्री रवींद्र जयस्वाल म्हणाले की उत्तर प्रदेशात विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी 1200 रुपये सरकार देतं. या प्रदर्शनात 900 रुपयांनाच गणवेश, स्वेटर, बॅग आणि शूज मिळत असल्याचं निदर्शनास आलं असून उत्तर प्रदेशातील सर्वच शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सोलापुरात तयार केलेले गणवेश देण्यात येणार असून याबाबतचे सॅम्पल पीस उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना दाखवू असं आश्वासन रवींद्र जयस्वाल यांनी दिलं. प्रत्येक जिल्ह्यात सोलापूरच्या व्यापाऱ्यांनी आपले एजंट नेमावेत असंही ते म्हणाले. उनका ड्रेस इसको का ड्रेस का एक ब्रांड बन जाए ऐसे मेरी अपेक्षा है. और वह जो ड्रेस बन जाएगा अब इनका टी शर्ट है 150 रुपए का. अब वो ड्रेस है आजकल यहाँ यूनिफॉर्म में अंतर क्या आ गया है कि 5 दिन का एक ड्रेस और एक दिन लास्ट डेट होता है स्पोर्ट ड्रेस होता है. अब स्पोर्ट्स ड्रेस भी 150 मिल सकता है क्या? ये मेरे कल्पना से परे. मेरे खुद के 5 संस्थाएं हैं, डिग्री कॉलेज है, लॉ कॉलेज सब में ड्रेस है. डिग्री कॉलेज, लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्कूल है, सब में ड्रेस है. हमारे यहाँ ड्रेस टीचर को भी अनिवार्य है, प्रिंसिपल को भी अनिवार्य है, हम सबको पहनना डर है. लेकिन उन सब के बावजूद हमको इतना सस्ता मिल सकता है, इसलिए मैं आपको ये मिला सस्ते में. तो सब मिला के आप सबकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए, बच्चों की अच्छी मिल जाए, बच्चों को सामान अच्छा मिल जाए. और जब आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी तो आपके यहाँ बस 25-50-100 स्टाफ काम करेंगे, उनका रोजगार बढ़ेगा. किसी को बुला देता है हम लोग को मैंने हमेशा मिलाएगी तो उनको दिखा देंगे. तो क्यों ना हम लोग हर जिले में सोलापुर के ड्रेस वालों का एक दुकानदारों को करके ही तुम इसका एजेंसी ले लो, तुम एजेंसी ले लो, तुम सामान खरीद लो, तुम एजेंट बन जाओ. खासदार डॉ जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी आणि आमदार सुभाष देशमुख यांनी सोलापूर हे गार्मेंटमध्ये नंबर 1 ब्रँड बनेल असं सांगितलं. हे सगळी जितने भी सोलापूरवासी आहे आप विश्वास कर सकते हैं, आंख मूंद करके आप विश्वास करते हैं कि मैं आपको साक्षी दे देता हूं. दूसरी बात मैं आते ही कहा जयसवाल साहब, अरे हम तो संत लोग भाई, हम तो सेवक ही हैं. जनसेवा हो, भारत माता की सेवा हो, राज्य सेवा हो, कोई सेवा, हम तो संत ठहरे. और संत करता भी क्या है, सेवा तो करता है, बशर्ते कुछ भक्तों से भी मांग भी लेता है. इसलिए मैंने कहा कि तेरे दर पे आया हूं, आप लोग करके जाएंगे, तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा. वो दूसरी बात नहीं कहूंगा. काम करते करते जो है झोली भर के जाऊंगा, इस तरह तो मैं कह सकता. प्राइम मिनिस्टर साहब क्या बोलते हैं, अपने को तीसरे नंबर पे जाने का है भारत को. अपन क्या कहने का है, सोलापुर का तीसरा नंबर महाराष्ट्र में लाने का. अपन अपने डिस्ट्रिक्ट में देखा. मुझे लगता है कि जैसा पीएम साहब बोलते हैं, हर एक गांव एक ब्रांड होना चाहिए,
मुझे लगता है कि मैं सोलापुर के बाहर के लोगों से बोलता हूँ, हमारे सोलापुर के जो लोग हैं वो यूनिफॉर्म में ब्रांड करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, 100% उम्मीद है। दरम्यान 3 दिवसात 1000 अधिक व्यापाऱ्यांनी या प्रदर्शनाला भेट दिली असून यामुळे सोलापूरच्या गारमेंट व्यवसायाची वृद्धी होईल असा आशावाद गारमेंट उद्योजकांनी व्यक्त केला आहे। हे खास वृत्त थेट वाराणसीतून दिलं होतं, उपसंपादक दीपक सोमा यांनी।